सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपके लिए इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स के हिसाब से यह डिफाइन किया जाता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर टर्म के अंदर बायर की और सेलर की, यह डिफाइन किया जाता है इनको टर्म्स में। अब डीडीपी भी ऐसी ही एक इनको टर्म है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। अब डीडीपी के अंदर क्या एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बायर और सेलर की, किस पॉइंट पे सेलर डिलीवर कर देता है कार्गो को, या तो बायर को या उसके किसी कैरियर को, और क्या एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर करता है सेलर बायर को, इन सारी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस कर दें। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीडीपी के बारे में। डीडीपी की अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो वो होती है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। अब जो डीडीपी है ये एक इनको टर्म है, इनको टर्म मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। इस तरीके की टोटल 11 इनको टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने डिफाइन की हैं। अब इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के हिसाब से जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में, मान लीजिए चाइना या इंडिया के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसके लिए ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स डिफाइन की गई हैं, जिससे कोई डिस्प्यूट ना हो बायर और सेलर के बीच में। तो अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, मान लीजिए कोई बायर यहाँ पे पुणे में है इंडिया में, जो कोई कार्गो मंगाना चाहता है चाइना से, लेट्स से वो 100 प्रिंटर्स मंगाना चाहता है, बीजिंग में वो फैक्ट्री है या वेयर हाउस है, वहां से वो अगर ट्रैवल करेंगे तो उनको पूरी एक ट्रांसपोर्टेशन चेन के थ्रू आना होगा पुणे तक। सबसे पहले ये प्रिंटर्स बाई रोड शंघाई पोर्ट तक जाएंगे, फिर हो सकता है शंघाई पोर्ट या एयरपोर्ट से वो या तो बाई एयर जाएंगे या बाई सी जाएंगे, फिर वो मुंबई पोर्ट या एयरपोर्ट पे आएंगे, और उसके बाद बाई रोड वो पुणे तक पहुंचेंगे। तो अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक होगी और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये डिफाइन होता है इनको टर्म्स से। तो इसके अंदर क्या चीज़ें मेन होती हैं, एक होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क। तो ये इसके अंदर डिलीवरी पॉइंट जो होता है वहां पे ट्रांसफर हो जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क सेलर से बायर की तरफ। तो इसीलिए ये डिलीवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे इनको टर्म्स में। अब हम ये देख लेते हैं कि डीडीपी के अंदर डिलीवरी पॉइंट क्या होता है। सेलर जहां पे भी ये डिलीवरी पॉइंट होगा वहां पे वहां तक वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके आगे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चेन किस तरीके से ट्रेवल होगी। सबसे पहले सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेयरहाउस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। वेयरहाउस तो वो मेंटेन करेगा ही अपना, और वहाँ पे उसकी जो कॉस्ट होगी वो खुद बियर करनी है उसे ऑब्वियसली। उसके बाद वो पैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब इन 100 प्रिंटर्स को पैक भी करेगा, उसके बाद उनको वो लोड करेगा लेट्स से इस ट्रक के अंदर। बाई रोड अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं शंघाई पोर्ट तक, तो वो ट्रक के अंदर लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में रोड ट्रांसपोर्टेशन की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद कस्टम्स क्लियरेंस करेगा वो शंघाई पोर्ट पे पहुंचने के बाद, फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग की फीस भरेगा, जो भी उसका लॉजिस्टिक्स पार्टनर है उसकी फीस भरेगा। उसके बाद टर्मिनल चार्जेस पे करने की सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शंघाई पोर्ट पे। उसके बाद अब ये हम पोर्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये शंघाई एयरपोर्ट भी हो सकता है या बीजिंग एयरपोर्ट भी हो सकता है। तो जो डीडीपी है ये सारे के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एप्लीकेबल है। हमने पिछले कुछ वीडियोज में देखा था कि कुछ टर्म्स हैं जो खाली सी के अंदर अवेलेबल होती हैं, सूटेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ये वाली जो टर्म्स हैं ये खाली सी के लिए एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन जो डीडीपी है ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो एयर हो, रोड हो, या सी हो, या रेल हो इवन। तो अब हम अपने एग्जाम्पल में सी मान रहे हैं, तो हो सकता है ये सी से ही ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए ये 100 प्रिंटर्स, क्योंकि जो मैक्सिमम कार्गो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सी से ही ट्रैवल होता है, और जो महंगा कार्गो होता है वो जनरली एयर से होता है, जिस जो टाइम बाउंड होता है। तो इसके अंदर 100 प्रिंटर्स हम मान लेते हैं कि सी से ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो
तो उसके अंदर फिर लोडिंग चार्जेस जो होंगे, जहाज पे जो लोड होगा वो कार्गो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की होती है। उसके बाद ये पहुंचेगा मुंबई पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो बाई ओशन अगर ट्रैवल हो रहा है तो इसका खर्चा भी सेलर ही उठाएगा। साथ ही में जो रिस्क है, अब मान लीजिए रस्ते में कोई डैमेज हो जाती है कार्गो को, तो वो कौन कवर करेगा? तो उसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है और इंश्योरेंस के लिए की पेमेंट भी सेलर ही करता है डीडीपी के केस में। और ये जो डीडीपी होता है, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जितने भी डी से टर्म स्टार्ट होते हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो डीएटी हो, चाहे वो डीडीपी हो, ये डेस्टिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर डिलीवरी जब होती है तब ये डी वाले टर्म्स यूज होते हैं, चाहे वो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड हो, चाहे वो डिलीवर्ड एट टर्मिनल हो, चाहे वो डिलीवर्ड एट प्लेस हो। तो इस केस में डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में हमें ये डिफाइन करना होगा कि कहां पे ये जो प्लेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जैक्टली बायर को कहां पे डिलीवरी करानी है। तो यहां पे मान लीजिए हमारे केस में डीडीपी हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड वेयरहाउस इन पुणे। तो अब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुणे के वेयरहाउस तक डिलीवर करेगा उन गुड्स को। तो उसके बाद वो क्या करेगा, कस्टम्स की भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिलीवर ड्यूटी पेड के अंदर, सारी की सारी ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स, टैक्सेस, सब कुछ उसी को पे करना होता है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस भी वही पे करेगा। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा टू डेस्टिनेशन, अब इस केस में क्योंकि पुणे का वेयर हाउस है ये बायर का, वहां तक वो ही ट्रांसपोर्ट करेगा उसको। तो अब हम डीडीपी की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एप्लीकेबल है, चाहे वो आप बाई एयर, बाई सी, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, यहाँ रेल भी लिख देता हूँ मैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये डीडीपी एप्लीकेबल होता है, आप यूज कर सकते हैं इसे इजीली। उसके बाद सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेम्ड प्लेस तक सब कुछ कराने की है, इंक्लूडिंग कस्टम्स, पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जो भी फाइनल आपने डेस्टिनेशन दी है, अब ये डेस्टिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब मान लीजिए अगर ये डेस्टिनेशन आप मुंबई डाल देते तो वो खाली मुंबई तक ही सब कुछ कवर करता और मुंबई के आगे का जितना भी है वो बायर को अगर ट्रांसपोर्टेशन पे करना होता। तो इसीलिए ये प्लेस बहुत जरूरी हो जाती है। तो अगर हमें इसे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखना होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 100 प्रिंटर्स डीडीपी एक्स वाई जेड वेयर हाउस इन पुणे इंडिया। तो इसका मतलब डीडीपी एक्स वाई जेड वेयर हाउस जो है ये आपका हो गया डिलीवरी पॉइंट। तो यहां तक डिलीवरी पॉइंट जो एक्स वाई जेड वेयर हाउस है, यहां तक हो गई सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां तक मैं पूरा लिख देता हूं, ये जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है ये पूरा का पूरा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई यहां तक। उसके बाद बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर की खाली अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अब वो उसके फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। मान लीजिए अगर ये मुंबई तक ही होता, ये डीडीपी मुंबई होता, तो उस केस में मुंबई से लेके यहां तक उसके वेयरहाउस तक लेके आने की जो जिम्मेदारी होती वो बायर की हो जाती। तो एक बार कार्गो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, उसके बाद अनलोडिंग जो होती है वो फाइनली बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर खाली वहां तक लाके छोड़ देता है। अब ये जो ट्रक से अनलोड करना होगा 100 प्रिंटर्स को, ये बायर ही करेगा। उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन देगा बायर को, जिसके अंदर कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है, ये 100 प्रिंटर की पैकिंग लिस्ट आ जाएगी, वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट होता है ऐसे कार्गोज के लिए जो वुडन पैलेट्स के अंदर पैक होते हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट देना होगा अगर इस तरीके का कोई कार्गो है तो। बिल ऑफ लेडिंग होता है, इस केस में ओशन बिल ऑफ लेडिंग हो जाएगा, वो देना होगा। साथ ही में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देना होगा सेलर को, बायर को, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही है। अब डीडीपी का एक छोटा सा ड्रॉबैक हो जाता है कि कस्टम्स क्लियरेंस करना या इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस भरना सेलर के लिए इंपोर्ट कंट्री के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें कि कोई चाइनीज सेलर है, उसके लिए इंडिया में कस्टम्स हैंडल करना या इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए डीएटी या डीएपी बेटर टर्म्स है, ये आप यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई सेलर है, उसका कोई लोकल ऑफिस है इंडिया के अंदर और वो इजीली हैंडल कर सकता है इन दोनों को, तो आप डीडीपी के भी थ्रू जा सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग था या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आपका और भी कोई सजेशन है इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपसे डिटेल वीडियोस शेयर करूं,
तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।